सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कुछ लोग कहते हैं ना, माँ मैं तेरे साथ रहते रहते थक गया हूँ, अब माँ मैं अलग रहूँ। हाँ बेटा जा खुश रहे, माँ को तो तेरी खुशी चाहिए ना। और कुछ लोग तो इतने देड़ होशियार कहते हैं, मैं तो इजाजत से निकला हूँ ना अपनी माँ की। हाँ ठीक है, उसके दिल से पूछ जरा। अरे उसके दिल से पूछ, यही तो करबला में हुआ था ना। सबको कहा फी अमानिल्लाह फी अमानिल्लाह फी अमानिल्लाह, लेकिन जब मौला अली अकबर की बात आई तो अली अकबर दो कदम हटते तो कहते इधर आ। कौन वो हुसैन जो सब लुटा चुके? अली अकबर की जब बारी आई दो कदम हटते, पीट करते तो इधर आ, फिर सीने से लगाते, मुंह चूमते, काफी अमानिल्लाह, फिर हटते तो इधर भी आ बेटा जरा और आ जा, फिर मुंह चूमते, फिर रोते, गाल चूमते, पेशानी चूमते। मौला अली अकबर कहते बाबा एक बात पूछूं? कहा बेटा बिल्कुल। बाबा आपने कासिम को भेजा ऐसा तो नहीं किया? चचा अब्बास को भेजा ऐसा तो नहीं किया? चचा उमर इब्ने अली को भेजा ऐसा तो नहीं किया? उस्मान इब्ने अली को भेजा ऐसा तो नहीं किया? चचा आप औनो मोहम्मद, बाबा आप औनो मोहम्मद को भेजा ऐसा तो नहीं किया? बाबा जान आप दो कदम हटता, फिर बुलाते, सीने से लगाते, चूमते, फिर जाने नहीं देते। बाबा शहादत के लिए आखिर इतनी रुकावटें क्यों हैं, इतनी ताखीर क्यों है? बाबा जाने देना। उस वक्त तो मौला हुसैन ने कहा था बेटे अब जरा आखिरी बार सीने से लग जा, और सीने से लगा के कहा था अली अकबर इस दर्द का एहसास तुझे उस वक्त होता जब तेरे जैसा कोई तेरा खूबसूरत बेटा होता, जो हम शबीए रसूल होता, और वो टुकड़े टुकड़े होने को जाता, तो तब तुझे पता चलता कि दूर करना किसे कहते हैं। आप कहते हैं मैं माँ बाप से पूछ करके निकला हूं, उन्हें छोड़ करके मैं ससुराल में मुकिम हुआ हूं, मां की इजाजत से मैं माँ को ईद मिलने भी नहीं जाता, क्योंकि माँ ने कहा बेटा जा तुझे इजाजत है। अरे पूछ उस माँ के दिल से, उसने इजाजत तो दी है लेकिन उसके दिल पे क्या गुजरती? उसने इसी दिन के लिए जवान किया था, पाला था, पोसा था कि तू छोड़ करके बुढ़ापे में बेसहारा उसे निकल पड़ेगा।